नमस्कार, संजय रावत के लिए नई मुसीबत। मुंबई कोविड सेंटर स्कैम के करीबी में आया नाम। मुंबई कोविड सेंटर घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने राज्यसभा सांसद और शिवसेना के नेता संजय रावत के करीबी सुजीत पाटकर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि बिजनेसमैन सुजीत पाटकर ने मुंबई में जंबो कोविड 19 सेंटर चलाने के लिए उनकी साझेदारी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट के अलॉटमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड सेंटर घोटाले के आरोपी सुजीत पाटकर ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को दिए अपने बयान में अहम खुलासा किया है। पाटकर ने बीएमसी के तत्कालीन ऊपर आयुक्त संजीव जायसवाल से मिलने के लिए अपने करीबी दोस्त शिवसेना यूबीटी नेता और सांसद संजय रावत के नाम का इस्तेमाल किया था। ईडी के अनुसार सुजीत पाटकर राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों के साथ अपनी निकटता के कारण कोविड सेंटर घोटाले करने में कामयाब रहे। धन्यवाद।